टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट पहुंच चुका है टोक्यो, और फिलहाल उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए पूरे देश के लोग भी मौजूद हैं, और खुद सांसद जो खुद खेल मंत्री यहां पर मौजूद हैं। ये हैं तस्वीरें हैं संसद भवन परिसर की, तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें संसद भवन परिसर से नज़र आ रही हैं, जहाँ पर खुद खेल मंत्री भी मौजूद हैं, जो बाकी सांसद भी हैं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथी सांसद भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। कार्यस्थलों पर अपने पांच साथियों के साथ या बाकी टीम के साथ अपना एक वीडियो बनाइए, पांच लोगों को टैग कीजिए, और भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आइए, ताकि हमारे भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में अच्छा कर सकें। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद के नारे। और ये तस्वीरें हैं संसद भवन परिसर की, जहां पर खुद खेल मंत्री यहां पर पूरी टीम इंडिया के हौसला अफजाई की है एक विक्ट्री पंच देकर के और चीयर फॉर इंडिया स्लोगन के साथ। अनुराग जी, पूरे देश को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट, क्या कहेंगे? देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने चीयर फॉर इंडिया कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया, और एक और अभियान हमने छेड़ा, जहाँ पे पांच लोगों को नॉमिनेट करके हमारा विक्ट्री पंच के साथ साथ चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में जुड़ने के लिए कहा है। लोग अपने कार्यस्थलों पर, घरों पे, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ताकि भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ सके और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में जुड़ सके। अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया है, क्या कहा जाए? इस बार मेडल की उम्मीदें भी उतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारा दल भी बहुत बड़ा है, तैयारियां भी बहुत अच्छे से की गई हैं, और सरकार ने भी लगातार उसको लेकर के, खुद प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों से बात की थी। देखिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के कारण और डिसिप्लिन के कारण जो खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके ऊपर मानसिक दबाव ना हो, फ्री माइंड के साथ खेलें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए भी कहा, जहां एक और देश को उम्मीदें भी, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे खिलाड़ियों के ऊपर दबाव ना बनाया जाए, उनको अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोत्साहित किया। बस, क्योंकि आप खेल मंत्री भी, एक आखिरी सवाल, कोई एक खिलाड़ी अगर आप बात करें, एक स्पोर्ट्स जिस पर आपकी नज़र होगी खासतौर पर? मेरा सभी खिलाड़ियों, सभी खेलों के ऊपर है, मैं किसी एक खेल के ऊपर ऐसा नहीं कर सकता। सभी खिलाड़ियों के ऊपर, सभी खेलों के ऊपर नज़र है और उम्मीदें हैं, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट पहुँचा है टोक्यो, और उम्मीद यही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मेडल हासिल करेंगे भारतीय खिलाड़ी ने, उनके ऊपर दबाव ना पड़े, इसको लेकर के सरकार ने भी और प्रधानमंत्री ने भी उनसे बातचीत की है। खुद खेल मंत्री का कहना है, एक कैंपेन भी शुरू किया गया है चीयर फॉर इंडिया, और उसी कड़ी में अब लोगों को जोड़ने की कोशिश भी है, जिससे कि हम अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सके, भले ही वो टोक्यो में है, लेकिन उन तक एक पॉजिटिव संदेश जरूर पहुँच सके, और उसी के लिए की गई है इस तरीके की मुहिम की शुरुआत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू, मौजूदा कानून मंत्री हैं। रिजिजू साहब, स्पोर्ट्स को लेकर के खासी तैयारी की गई थी पूरी टीम के साथ में, आपने भी हौसला अफजाई भी जो है की थी, अब वो वक्त आ गया है, शुभकामनाएं पूरी टीम के लिए, देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बहुत अच्छा तैयारी के साथ भारतीय टीम ओलंपिक्स के लिए गई हुए हैं, और उम्मीदें भी बहुत हैं, जीते ना जीते लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, और मेरा शुभकामनाएं भारतीय टीम को मैं देना चाहता हूँ। सर, कंटिंजेंट भी इस बार जो है काफ़ी अच्छा जो है, काफ़ी बड़ा गया हुआ है, और उम्मीदें जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि आप पूर्व जो है खेल मंत्री भी रह चुके हैं, सारे खिलाड़ियों से इंटरेक्ट भी किया है, किस खेल से सबसे ज़्यादा उम्मीदें, या किस खिलाड़ी के ऊपर आपकी निगाहें होंगी? जितने डिसिप्लिन में हमारे क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा डल गया है, इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारे क्वालिफाई हुए हैं, अच्छा टीम होगा उम्मीद है, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और सर, पूरे देश से भी कुछ कहेंगे, चीयर फॉर इंडिया जो कैंपेन चलाया गया, खुद प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, आप लोगों ने भी, हमने देखा कि लगातार अब सारे मंत्री भी सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक भारतीय इस बार चीयर फॉर इंडिया में हम लोग जुड़े रहेंगे, और हमारा टीम का मनोबल को हम बल देते रहेंगे। चीयर फॉर इंडिया मूवमेंट चला रही है सरकार, और पूरा जो कंटिंजेंट है उसको शुभकामनाएं दिया जा रहे हैं, सांसदों की तरफ से भी, खुद सरकार की तरफ से भी, और ये थे पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।